हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम दोनों फिर से टपक पड़े एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करने वाले हैं, बल्कि बात क्या करने वाले हैं, हम सब ने अब तक बॉलीवुड को बहुत लताड़ा है एक इस बात पे कि बॉलीवुड में जो 10 फिल्में बनती है उसमें से 9 तो उनकी रीमेक होती है। रीमेक होती है, कॉपी करते हैं बिल्कुल। और इस बात पे बॉलीवुड ने हमसे भी बहुत गालियां खाई है और आप लोगों से भी बहुत गालियां खाई होंगी। बट आज हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे। आज एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो कि रीमेक हुई थी फॉरेन लैंग्वेज में और जो ओरिजिनल फिल्में थी बॉलीवुड से, मतलब बॉलीवुड की फिल्मों को रीमेक किया गया फॉरेन लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। तो वो कौन कौन सी मूवीज हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए और आई एम श्योर कि आप भी एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए कि वो मूवीज कौन कौन सी हैं। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जिस पहली मूवी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस मूवी का नाम है टैक्सी नंबर 9211, जो रिलीज हुई थी 2006 में, जिसके एक्टर्स थे जॉन अब्राहम एंड नाना पाटेकर। और 2019 में इस मूवी को रीमेक किया जाता है म्यांमार में। बर्मिस लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था नेपटून। तो ये जो मूवी थी टैक्सी नंबर 9211, वो आपने ओरिजिनल मूवी देखी है? ओरिजिनल मूवी मुझे लगता है सबने देखी है। मूवी का जो प्लॉट था, इसमें एक बहुत ही अमीर आदमी है जिसकी फाइल जो है टैक्सी में रह जाती है। तो जो टैक्सी ड्राइवर है जिसका जो प्ले किया था नाना पाटेकर ने प्ले किया था, तो वो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है उस ड्राइवर के पास रहते हैं और वो किस तरीके से उन पेपर्स को लेके उस जो अमीर आदमी जॉन अब्राहम है उसको किस तरह से अपने इशारों पे नचाता है, ये मूवी का जो था पूरा प्लॉट था। पूरा प्लॉट था एक्चुअली। तो जैसे कि वो उसमें बेसिकली सनकी बने हैं, जो वो ओरिजिनल भी है एक्चुअली, तो वो किस तरीके से सनक में अपने लोगों को उस जॉन अब्राहम को परेशान करते हैं, तो ये पूरी मूवी का प्लॉट है। हाँ, लास्ट में वो कैसे जॉनी इब्राहिम को जो उसके पेपर्स मिलते हैं नाना पाटेकर उसको देता है नहीं देता क्या है, तो मूवी इसके लिए मूवी देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो बिल्कुल इस मूवी को आप देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो। सो दोस्तों, चलिए बात करते हैं सेकंड मूवी की, जिस मूवी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने वो मूवी नहीं देखी होगी। उस मूवी का नाम है 3 इडियट्स। जी, 2009 में जो है 3 इडियट्स रिलीज हुई थी इंडिया में और इसका जो ऑफिशियल रीमेक था वो मैक्सिकन लैंग्वेज में बना था 2017 में। वाओ। और इस मूवी का नाम गैस करो क्या था? क्या था? 3 इडियटोस। इडियटोस, 3 इडियटोस। दोस्तों, अभी जो हम मूवीज के नाम ले रहे हैं ये कई फॉरेन लैंग्वेज में बनी हुई मूवीज है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, आप लोग वो जो है गूगल करके देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते उसके हैं। लिए सॉरी। हाँ, और 3 इडियट्स के बारे में मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत है, इस मूवी का क्या प्लॉट था, क्या स्टोरी थी, कौन हीरो थे, इसको बनाया किसने था, आपको सब पता है। ये 3 इडियट्स जो है मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसने नहीं देखी होगी। तो आगे चलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 3 इडियट्स पे। एग्जैक्टली। सो दोस्तों, चलिए बात करते हैं थर्ड मूवी की। तो जो मूवी मैं आपको बताने वाला हूं इसका प्लॉट एक्चुअली बहुत यूनिक था। इस मूवी का नाम है अ वेनसडे, जो रिलीज हुई थी 2008 में, जिसको प्ले किया था नसीरुद्दीन शाह ने, जो बहुत ही अल्टीमेट एक्टर हैं। इस मूवी का जो रीमेक था वो बना था श्रीलंकन लैंग्वेज में 2018 में और मूवी का नाम था अ कॉमन मैन। और इसमें मेन लीड में आप लोग जानते हैं कौन थे? कौन थे? बेन किंग्सले, जिन्होंने गांधी फिल्म की थी। ओके। जी, बेन किंग्सले जो हॉलीवुड के बहुत बड़े जो है लेजेंडरी एक्टर माने जाते हैं, जिनको अमिताभ बच्चन से कंपेयर किया जाता है कि वो हॉलीवुड का मतलब बच्चन। हमारे पास यहाँ पे अमिताभ बच्चन है तो वहाँ पे सर बेन किंग्सले उनको बोला जाता है, क्योंकि उनको सर की उपाधि मिल चुकी है। ओके। तो वेडनेसडे के बारे में जो है प्लॉट उसका, एक कॉमन मैन है जो किस तरीके से जो एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, एक हमले के बाद किस तरीके से एक पूरे डिपार्टमेंट ने जो इंडिया का उसको किस तरीके से वो गुमराह करता है अपना एक मैसेज देने के लिए, मैसेज देने के लिए। तो ये इसके लिए एक्चुअली आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी एक्चुअली बहुत अल्टीमेट है कि एक अकेला बंदा, सिर्फ एक अकेला बंदा जो होता है पूरे डिपार्टमेंट, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं इस डिपार्टमेंट में जो आते हैं, उनको किस तरीके से घुमाता है और किस तरीके से अपना मतलब निकाल के, अपना मतलब नहीं कहेंगे, अपना मैसेज देने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए किस हद तक जा सकता है बेसिकली। तो ये इस मूवी का प्लॉट है। आप अगर जिसने देखी है पिक्चर उसके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखी है प्लीज वो इस मूवी को जरूर देखिए। जी बिल्कुल। और इसके बाद जो हमारी लिस्ट में जो अगली मूवी है वो बताइए। सो दोस्तों, चलिए बात करते हैं नंबर 4th की। तो उस मूवी का नाम है परिंदा, जो मेरी फेवरेट मूवीज की लिस्ट में आती है। ये जो मूवी है जो रिलीज हुई थी 1989 में, जिसमें एक्टर्स थे नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अनुपम खेर एंड माधुरी दीक्षित। इट्स अ अमेजिंग मूवी।
और इस मूवी को जो रीमेक किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, उस मूवी का नाम था ब्रोकन हॉर्सेस, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। और मजे की बात यह है कि इसके जो डायरेक्टर थे वो विधु विनोद चोपड़ा ही थे, जो कि ओरिजिनल मूवी के भी मेकर हैं। एग्जैक्टली तो मतलब जो हिंदी मूवी के डायरेक्टर थे परिंदा के, विनोद विनोद चोपड़ा, उन्होंने ही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी बनाई जिसका नाम था ब्रोकन हॉर्सेस जी, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। और परिंदा मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने भी जब देखी थी मुझे इतना याद नहीं है परिंदा के बारे में, बट उसका जो ओवरऑल जो उसका प्लॉट था वो था दो भाइयों की कहानी, जिसमें से एक भाई जो है एक गैंग के साथ काम करता है। एग्जैक्टली और किस तरीके से वो जो है उस गैंग से हट के बदला लेता है अपने भाई की मौत का, तो ये ओवरऑल जो है मूवी का प्लॉट था। सो रण विजय, अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नंबर 5 है, लेकिन वो मूवी नंबर 1 है। उसका नाम है दृश्यम, जो रिलीज हुई थी 2013 में, जिसकी लैंग्वेज थी मलयालम। मलयालम लैंग्वेज के बाद इस मूवी को इंडिया में ही कई और लैंग्वेज में रीमेक किया गया, बहुत बार किया, लेकिन जो चाइनीज में इसका रीमेक बना उस फिल्म का नाम था शिप विदाउट हर्ड। तो ये मूवी चाइनीज में भी बनी थी 2020 में। तो मुझे नहीं लगता है ये दृश्यम जो है, जो कोई लोग कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी, बट बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट पे बनी हुई पिक्चर थी दृश्यम फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने देखी है। उसके कॉन्सेप्ट क्या था, उसका क्या स्टोरी का क्या प्लॉट था, 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर याद है ना आपको? और आज भी 2 अक्टूबर जब आता है, वो विजय और उसकी फैमिली जो है पूरे सर्कुलेट होती है इंस्टाग्राम के ऊपर मीम्स को लेके। तो एग्जैक्टली मूवी का जो प्लॉट था वो बेस इतना ही था कि एक जो कॉमन मैन है वो किस हद तक अपनी फैमिली को बचाने के लिए जा सकता है। तो ये मोटा मोटा इस जो मूवी का जो प्लॉट था, जो कि सबको पता है, सबने देखी है दृश्यम। एग्जैक्टली तो दोस्तों इसके बाद दृश्यम 2 भी आई है, तो नहीं देखे तो वो भी जरूर देखें, वो भी अच्छी है। हाँ, वो मूवी बहुत अच्छी है, और उसका रीमेक अभी नहीं बना है, उसका रीमेक बनेगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। तो ये था हमारा वीडियो, वो कौन सी 5 फिल्में हैं जिन्होंने थोड़ी इज्जत बॉलीवुड की अभी बचाई है क्योंकि भैया जिन लोगों को लगता है कि बहुत गालियां पड़ती है इस बात पे बॉलीवुड, क्योंकि रीमेक बहुत करता है और ओरिजिनल कंटेंट है नहीं, इसका कॉन्सेप्ट ढाप लिया, उसका कॉन्सेप्ट ढाप लिया, ये बात सही है, कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट की कमी है। बट बॉलीवुड में ऐसी भी कई फिल्में बनी है, इतनी अच्छी फिल्में हुई है कि उनको फॉरेन लैंग्वेज में गोरो ने उसको जो है रीमेक किया उन फिल्मों का। एक रणविजय, एक मूवी और थी जिसका मुझे नहीं पता उसका रीमेक बना नहीं बना, बट उसके राइट्स जरूर खरीदे गए थे। उस मूवी का नाम था 13B, जो एक हॉरर मूवी थी जिसमें एक्टर थे आर माधवन। 13B मैंने देखी मूवी है, मूवी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट उसका बहुत अच्छा था, बट क्योंकि हमें पता नहीं उसका रीमेक किसी फॉरेन लैंग्वेज में बना नहीं बना, तो कन्फर्म हम नहीं कह सकते। एग्जैक्टली। सो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, ऐसी कौन सी 5 मूवी है जिन्होंने बॉलीवुड में बन के हमारी इज्जत बनाई और वो उसका रीमेक बना हॉलीवुड के अंदर। जी तो ऐसी मसालेदार वीडियोस और शॉर्ट्स को देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।